करण जौहर के टॉक शो कॉफी विद करण के कारण बवाल मच गया है, जब से इस शो में टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और बल्लेबाज केएल राहुल ने महिला विरोधी बोल्ड बयान दिए हैं, तब से दोनों खिलाड़ियों की मुसीबतें कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। दोनों क्रिकेटर इस कदर विवादों में फंस गए हैं कि पहले तो सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल हुए, जिसके बाद BCCI ने दोनों क्रिकेटरों को सस्पेंड कर दिया। अब पांड्या और राहुल के गले तीसरी बड़ी मुसीबत आ खड़ी हुई है, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट में। फिल्म मेकर करण जौहर के शो में हार्दिक और राहुल में मजाक मजाक में महिलाओं को लेकर चंद अभद्र टिप्पणियां कर दी, लेकिन दोनों को यह पता नहीं था कि यह हल्की फुल्की मजाक पूरे देश में हंगामा बरपा देगी। दोनों क्रिकेटरों की फोहर टिप्पणियों से इनके फैंस बुरी तरह नाराज है। यही वजह है कि दोनों क्रिकेटरों को सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोल किए जाने के बाद BCCI को दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा और दोनों क्रिकेटरों को जांच पूरी होने तक के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन इस बीच दोनों क्रिकेटरों को इससे भी बड़ा झटका लगा है। देश भर में मचे बवाल के बाद दोनों की ब्रांड वैल्यू शिखर से शून्य की तरफ आती दिख रही है, जिसका खामियाजा दोनों को करोड़ों रुपए गवा कर चुकानी पड़ सकती है। इस पूरे बवाल के बाद दोनों क्रिकेटरों को कितने करोड़ रुपए का नुकसान होगा, इस पर बात करने से पहले हार्दिक पांड्या के पिता ने बड़ा बयान दिया है। हार्दिक के पिता ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया दौरे से वापस आने के बाद हार्दिक घर से बाहर नहीं निकले हैं। उन्होंने कहा कि हार्दिक ने मंगलवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया का दूसरा मैच देखा, लेकिन किसी का फोन भी नहीं उठा रहा है, वो आराम कर रहा है। इस विवाद से उसे गहरा धक्का लगा है। संक्रांति के त्यौहार पर भी वो घर से बाहर नहीं निकला। हार्दिक को पतंग उड़ाना बहुत पसंद है, लेकिन इस बार उसने ऐसा नहीं किया। हार्दिक ने खुद से वादा किया कि वह जिंदगी में अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा। हार्दिक और केएल राहुल को अपनी गलती का एहसास होने से पहले करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है। इस पूरे विवाद के बाद दोनों क्रिकेटर की ब्रांड वैल्यू गिरती जा रही है। पूरे विवाद के बाद हॉटस्टार से इस विवादास्पद एपिसोड को भी अपने स्ट्रीमिंग लिस्ट से हटा दिया गया है, जहां BCCI ने सजा के तौर पर दोनों खिलाड़ियों को भारत ऑस्ट्रेलिया श्रृंखला के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। वहीं एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक मेल पर्सनल ग्रूमिंग ब्रांड ने हार्दिक पांड्या के साथ अपने करार को सस्पेंड कर दिया है, जिसके चलते हार्दिक को लगभग 2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। बताते चलें कि इस पूरे विवाद के बाद दोनों की ब्रांड वैल्यू पर भी बड़ा झटका लगा है। हार्दिक इन दिनों 6 अन्य ब्रांड्स के चहेते हैं। इस बीच ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इस मामले के बाद अन्य ब्रांड भी हार्दिक से तौबा कर सकते हैं। उधर केएल राहुल की ब्रांड वैल्यू भी गिरती नजर आ रही है। राहुल ने एक स्पोर्ट्स ब्रांड के साथ 3 साल का अनुबंध किया था। इस पूरे विवाद के बाद यह कंपनी राहुल की रिप्लेसमेंट पर विचार कर रही है। ऐसे में एक बवाल ने इन दोनों खिलाड़ियों के लिए कई मुसीबतें खड़ी कर दी है।